हमारी श्रीमती जी। ओ गोखले, क्या बात है, इतनी जालिम उदासी में क्यों बैठा है? तेरी बीवी गांव से वापस आ रही है क्या? नहीं यार, कल आ रही है। हाँ। और साथ में मेरे सास ससुर को भी ला रही है। ओ, ओ। वो लोग आ गए ना। हाँ। पूरे महीने का राशन दो दिन में खत्म। ये टकलू पगार भी नहीं बढ़ा था। गोखले डोंट वरी, तेरा ये दोस्त किस लिए खड़ा है? तू कहाँ खड़ा है, तू तो बैठा है। अरे सुबह सुबह फालतू जोक मत मार, चल जा, कल तेरे सास ससुर गांव से नहीं आएंगे, जा। तू कैसे कह सकता है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ गोखले, ये मेरी डायरी कह रही है। डायरी? यस। क्या मतलब? देख गोखले, मैं तुझे एक सस्पेंस वाली बात बता रहा हूँ, लेकिन ये सस्पेंस किसी को बताना मत, ओके? सस्पेंस। सच कह रही हूँ गंगा मौसी, कल केशु ने जो भी डायरी में लिखा ना, बिल्कुल वैसे ही हुआ। क्योंकि तुम एक काम करो, समझ गया गोखले? समझ गया केशव, अगर तूने मेरे सास ससुर को रोक दिया तो कल मैं तुझे दो हाफ लस्सी पिलाऊंगा। दो हाफ लस्सी? लेकिन दो हाफ की जगह एक फुल लस्सी क्यों नहीं? वो महंगी पड़ती है। ठीक है। और गोखले, अगर इसके साथ साथ टकलू शर्मा ने तेरी पगार भी बढ़ा दी तो? केशव, लस्सी के साथ साथ समोसा पाव फ्री। समोसा पाव? हाँ, क्या कॉम्बिनेशन केशव। लेकिन तू ये सच कह रहा है ना या फेंक रहा है? अरे सच कह रहा हूँ, अगर तुझे यकीन नहीं हो रहा है तो चल शर्मा की कैबिन में। कल ही मैंने इस डायरी में लिखा था कि टकलू शर्मा के सर पर घास जैसे 20-25 काले बाल निकल आएंगे। 20-25 क्या? सैंपल है ना गोखले, अगर ये सैंपल ठीक से मार्केट में चला तो शर्मा का उजड़ा चमन हम आबाद कर देंगे। देखा क्या बात है सर, आपने सर पर फाइल क्यों रखी है? अरे क्या गोखले, कैसे सवाल करता है, सर पर फाइल क्यों रखी है? अरे देख नहीं रहा ऑफिस में कितनी धूप है? एक तो इतनी धूप, ऊपर से ये नीचे खुला मैदान, ऊपर तो छप्पर वप्पर तो चाहिए ना। तुम दोनों को नौकरी से निकाल दूंगा मैं। अरे वाह, नौकरी से निकाल देंगे? कैसे निकालेंगे, उल्टा कल आप हमारी पगार बढ़ाएंगे। आपकी शादी है क्या? क्यों, पिछले साल तो हमारी पगार दो बार बढ़ाई थी आपने। पिछले साल सर के बाप की दो बार शादी हुई। सर आपके सर पर तो आधी अधूरी खेती उग चुकी है। ये क्या हो गया सर? इसीलिए तो मैं परेशान हूँ, जब ऑफिस आया था तो पूरा मैदान था, यहाँ पर आने के बाद न जाने कहाँ से घास उग आई। डोंट वरी सर, कल इस मैदान पर घास की जगह काला घना जंगल निकल आएगा। काला घना जंगल सर? अरे तुम्हारे मुंह में की शक्कर कुलकर्णी, अगर ऐसा हुआ ना बेटा तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। थैंक यू सर। दो साल का बोनस एडवांस भेज दूंगा। थैंक यू सर। तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। ओके। मेरा मतलब है 2 महीने की। ओके सर, ओके हम चलते हैं। अब इसकी क्या जरूरत, कल तो जंगल निकलने वाला ही है सर। खाड़ के लगे कम पकड़। गोखले अब एक काम करते हैं, ये बाल लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं, अगर टेस्टिंग सही निकली तो इस दुनिया का मैं सबसे बड़ा विग मेकर बन जाऊंगा। चल 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 चल। क्या लक्ष्मी? क्या हमारी शांति देवी? गोखले ये मैं क्या देख रहा हूँ? लक्ष्मी आई भी, लक्ष्मी रो रही है। वो भी हमारे होते हुए, कोई बहुत ही बड़ी आपत्ति आई हुई है। देखते यार। लक्ष्मी, लक्ष्मी एनी प्रॉब्लम? हाँ, हमारे बाजू में एक शांति देवी रहता है, कल उसकी डिलीवरी डेट है, सोनोग्राफी से पता चला है कि उसके पेट में लड़का है। ओ, लेकिन ये तो बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात तब होना जब उसका सास बीच में गड़बड़ नहीं करे। ये दुनिया भर की सासे हमारी सास क्यों बंद कर देती है केशव? ये सुबह सुबह फालतू जोक मत मार। अच्छा आईबीएम लक्ष्मी, उसकी सास क्या गड़बड़ कर रही है? अगर इस बार शांति देवी को लड़का हुआ तो उसकी जान ले लेगी। लेकिन क्यों? क्योंकि सास को लड़कियां बहुत पसंद है। ऐसी केस तो पहली बार सुन रहा हूँ। डोंट वरी लक्ष्मी, इस बार शांति देवी को लड़के की जगह लड़की पैदा होगी। पेट में एक्सचेंज गेम, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है केशव कुलकर्णी के साथ कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। बोल, तुझे लड़की बना दूँ? मैं छोटा चोर हूँ, चोरी करना चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता है कैसे करूँ, आप मुझे गाइड करेंगे? अच्छा छोटा चोर है तू? हाँ। क्या नाम है तेरा? पक्या। पक्या? लेकिन ये पक्या का भाई या पक्या दादा ऐसा कुछ नहीं? छोटा चोर हूँ ना, इसलिए नाम भी छोटा, पक्या। ओहो पक्या। देखो पा, पा? पा? और भी छोटा कर दिया ना नाम। देखो पा, ये चोरी करने से तुम्हें सजा भी हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है तुम्हें पता नहीं?
नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे कहा था। ओहो, क्या कहा था? कर्म करते जाना, फल की इच्छा मत करना। आहा, तुम तो आध्यात्मिक चोर हो, पढ़े लिखे लगते हो। हा? मैं हिस्ट्री में PhD हूँ। बात कर रहा है? अच्छा, लेकिन डिग्री का कोई फायदा नहीं हुआ। ओह, इसलिए लाइन चेंज कर दी। अच्छा किया। देखो पा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन आज नहीं, कल। कैसे? ये डायरी में एंट्री कर लूंगा, तुम बड़े चोर बन जाओगे। ओके, तब तक तुम छोटी चोरी करते रहो, कल तुम्हारी मदद करूंगा। बाय। आपका नाम है? प्रेमा जी घर पर है? नहीं है, क्यों? जरा काम है, बुलाओ उन्हें। एक काम करो, तुम अपने घर जाओ और पहले अपनी बीवी को अपना सड़ा हुआ थोपड़ा दिखा के आओ। जाओ, कम ऑन नाउ, गेट लॉस्ट। आई से गेट लॉस्ट। अरे यार, ये आदमी है क्या है? अभी क्या है यार, क्या है? मारे कौन। ओम नमः डायरेश्वरी, मैं कल के प्रोग्राम लिख रहा हूँ। सो रही है, इसकी आधी जिंदगी सोने में चली गई। सबसे पहले तो प्रेमा जी की पप्पी। कल प्रेमा जी मुझे होंठों पर पप्पी, नहीं, गाल रखते हैं, कल गाल से काम चलाते, बाद में होंठों पर। तो कल प्रेमा जी मुझे गाल पर पप्पी करेगी, बाद में दिलरुबा के गाल पर तमाचा। मारे कौन। बाद में गोखले की सास, शर्मा के टकले पर घना काला जंगल, शांति देवी के पेट में बैठा हुआ लड़का लड़की बन जाए। हाँ, और पकिया चोरी करने में कामयाब हो जाए। ओके केशव, शुरू हो जा। बाय डार्लिंग प्रेमा। प्रेमा जी को आने में सिर्फ 2 ही मिनट बाकी है, बाद में पप्पी। गाल साफ कर लेता हूँ। हाँ, 1 मिनट जल्दी आ गई, उनको भी जल्दी होगी। आ गई गंगा, सुबह आ गई तो हमेशा नाश्ते के वक्त ही क्यों आती है? ओके, क्या है केशु? ये गंगा को कल रात का बचा कुचा खाना दे दो। चुप रहो केशु, कुछ भी बोलते रहते हो। गंगा मौसी, क्यों आई हो? कोकी, मुझे जरा शक्कर चाहिए। देखा कोकी, पूरा महीना मांग मांग कर खाती है। शट अप केशु, तुम अंदर चलो। प्रेमा जी, 1 मिनट। ठीक जी, हम हनीमून के लिए जा रहे हैं। हनीमून? हम हनीमून के लिए जाएंगे। हनीमून? लेकिन प्रेमा जी, मैंने ऐसा तो नहीं लिखा था। हनीमून? चलो, आई एम रेडी। प्रेमा जी, ये वहाँ क्या करेगा? क्या मतलब? अरे, हम हनीमून के लिए जा रहे हैं। हम मतलब हम नहीं, और हम भी नहीं, हम जा रहे हैं हनीमून के लिए। अरे लेकिन तू वहाँ क्या करेगा? अरे वो मेरी प्रॉब्लम है यार, तो अपना काम करना। दरियाई घोड़ा? तूने मुझे दरियाई घोड़ा कहा? हाँ, मैंने दरियाई घोड़ा। यू बगैर पंख के मुर्गे, तूने मुझे दरियाई घोड़ा कहा? कहा। ओके, मारे कौन? कुछ गड़बड़ लगती है, मिस्टेक हो गई लगती है। मारे कौन? मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक। मारे कौन? गंगा मौसी, तुम्हारा फॉर्मूला सक्सेसफुल हो रहा है। पता है, कल रात को केशव ने डायरी में जो कुछ भी लिखा था ना, उसको मैंने उल्टा कर दिया है। उसी का नतीजा है ये। अच्छा है। क्यों गोखले, 2 हाफ लस्सी और समोसा पाव खिला रहा है ना? फालतू बात मत कर केशव। क्या हुआ, बीवी आ गई ना? बीवी आ गई, साथ में सास, ससुर, उनके 5 लड़कियां, लड़कियों के जमाई, उनके भाई, अरे सब लोग। मैं ये सहन नहीं कर सकता केशव, मुझे आधा ग्लास जहर पिला दी। जहर? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है गोखले, मैंने डायरी में तो लिखा था। केशव जी, आपका बात तो सब उल्टा हो गया। उस शांति देवी को जुड़वा लड़के पैदा हो गए। गोखले, ये सब उल्टा कैसे हो रहा है? ये देख, देख और देख, देख तू देख। हमारी पगार और भी कम हो गई। ये टकलू शर्मा की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मैंने उसके उजड़े चमन को आबाद कर दिया फिर भी। अबे चमन, असली तमाशा तो तुझे अब देखना है। चल चल, चल, चल।